are you? Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Wow, Kunal. What a beautiful painting. Wow. क्या बोलते हैं बेटा इस पेंटिंग को? स्केच पेंटिंग. ओहो, अच्छा. आपके सर सिखाए हैं स्केच पेंटिंग? यस मैम. ओके, बहुत सुंदर. और बनाए हो क्या? दिखाओ. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. ओके, आप भी पढ़ रहे हो बेटा? yes. क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स, टाइम एंड कैलेंडर. ओके बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो अभी? अच्छा, कोरोना वायरस क्या होता है बेटा? मैं वो एक प्रकार का वायरस है जो हवा में फैलता है और खांसने और छींकने से. ओहो, इसलिए जब आप बाहर जाते हो तो क्या लगा के जाते हो? मास्क. ओके, आप मास्क लगाते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है या घर में रहना अच्छा लगता है? क्यों? अच्छा, और मैम ऑनलाइन पढ़ाती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है या स्कूल में पढ़ाती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, क्यों? दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए मिलता है इसीलिए. अच्छा 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 बेटा, आप बताइए, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है या घर पे पढ़ाई करना? मैम, स्कूल जाना. हाँ, क्यों बेटा? अच्छा अच्छा वाह. अच्छा बताओ, आप स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे बेटा? ओहो, अच्छा, ये बताओ, आप लोग स्कूल जाना चाहोगे जल्दी से जल्दी सब लोग? यस मैम. अच्छा, आप लोग स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छा लगता है या कोरोना वायरस के कारण आप लोग को घर ज्यादा अच्छा लगता है? स्कूल लाइफ. ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर. मनन, कैसे हो? कैसे हो आप? बोलो, कैसे हो? अच्छा. अच्छा, ये बताओ, आपको स्कूल की याद आती है? यस. अच्छा, ये बताओ, घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या स्कूल जाना? स्कूल जाना. हाँ, क्यों बेटा? स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता है ज़्यादा? बताओ, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो. क्यों स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है? क्यों हाँ पढ़ाई में? और क्या क्या होता है स्कूल में, बोलो बोलो. अच्छा, स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है. और घर में मम्मी की डांट सुननी पड़ती है क्या? अच्छा, कौन डांटता है? पापा डांटते हैं कि मम्मी डांटती है? घर में ज़्यादा कौन डांटता है? मम्मी. अच्छा, इसीलिए मैम ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा अच्छा, चलो. हेलो जीतू. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बाबू स्कूल नहीं जा रहे हो, कैसा लग रहा है घर में? अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? घर में बोर हो जाते हो क्या? यस मैम. अच्छा बताओ, स्कूल जाना अच्छा लगता था? यस मैम. क्या आप स्कूल को मिस कर रहे हो? यस मैम. अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है या स्कूल में जाके पढ़ना अच्छा लगता है? स्कूल में. हाँ, क्यों? ताकि बच्चों के साथ मस्ती करते हो इसीलिए क्या? बच्चों की मस्ती को मिसिंग कर रहे हो? आपस में खेलते थे, कूदते थे एक साथ. अच्छा, दोस्त को मिस कर रहे हो. ओहो, तो जल्दी स्कूल जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? जल्दी जाना चाहोगे. अच्छा, ये बताओ, स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हो? मम्मी पापा स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्यों है स्कूल छुट्टी? नहीं पता, कोरोना को नहीं जानते हो? हाँ, कोरोना क्या करता है बेटा? बीमारी. कैसा बीमारी है? कैसा बीमारी है बेटा? गंदा. अच्छा अच्छा अच्छा
चलो ठीक है, ठीक है। घर में पढ़ाई करने में बोर लगता है, स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? यस मैम। अच्छा ओके। चलो देखते हैं स्कूल कब खुलेगा, है ना? सात्विक भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट, लजीज और बच्चों का मनपसंद भोजन तैयार है। भोजन से पहले हम भोजन मंत्र कहते हैं ताकि हमारा भोजन पूर्ण रूप से सात्विक हो सके। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धव माध्वीर्न सन्तोषधि मधुनक्तमुतशश मधुमक्पार्थिवं रजः मधुदिरस्तु नापिता मधुमान्यो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। चलो बच्चों अब भोजन प्रारंभ करो, खाओ और बताओ कि कैसा लगा भोजन। खाओ खाओ। बच्चों कैसा लगा भोजन बताइए, कैसा है भोजन? बोलो जोर से। लजीज है। अच्छा आप बताइए। बहुत लजीज है। अच्छा स्वादिष्ट भी है। आप बताइए। बोलो जैसा लग रहा वैसा बोलो। तीखा तो नहीं है, मिर्ची तो नहीं है, तो कैसा है? स्वादिष्ट है। बताओ बेटा। मज़ेदार है। कैसा है? स्वादिष्ट है। अच्छा सबको भोजन अच्छा लगा? यस मैम। हाँ चलो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे इसे बड़े ही प्रेम से खा रहे हैं और इस तरह से आप भी अपने घर में पका के सात्विक भोजन अपने बच्चों को खिला सकते हैं। सात्विक भोजन करने से मन बिल्कुल से शांत रहता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी बच्चों के मन में नहीं आती है और अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप जैसा भोजन अपने बच्चों को खिलाएंगे वैसे ही उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ और वैसे ही उनके स्वर बोली भाषा वैसे ही परिणित होते जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ समाज का सुदृढ़ बालक बने, एक उच्च कोटि का उच्च विचार का बालक बने, मनुष्य बने जो हमारे घर पड़ोस समाज देश का कल्याण करे, तो आपको हमेशा अपना भोजन सात्विक स्वादिष्ट और लजीज बना के परोसना पड़ेगा। इसी यही एक माता का भी
सर्वप्रथम धर्म भी है और कर्म भी है। धन्यवाद।